Women loves to look attractive and feminine. और उसी का एक major part है tiny waist और rounder glutes होना. This not only boosts your confidence, but हर एक attire को gracefully carry करने में भी बहुत help करता है. तो आज हम ऐसी exercise के बारे में बात करने वाले हैं जो ना कि आपकी waist में भी आपकी help करेगी, but glutes के लिए तो करेगी ही करेगी. तो चलिए let's talk about it. Welcome to my YouTube channel. This is Sonal Kapoor, an Ayurvedic nutritionist and an online personal trainer. तो आज हम जिस exercise के बारे में बात करने वाले हैं, that is Bulgarian split squat. So ये exercise आपके leg के हर एक muscle पे काम करती है, जैसे कि आपके quads, आपके hams, आपके calves, आपके glutes, everything. So, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक हैक बताऊंगी जिससे कि आप अपने कोर मसल पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो इस एक्सरसाइज को हम 5 स्टेप्स में समझेंगे. स्टेप नंबर 1, प्लेसमेंट ऑफ फुट कैसे करनी है. आप बेंच के बिल्कुल साथ खड़े हो जाओ और एक स्टेप ले लो. एक स्टेप लेने के बाद जस्ट प्लेस the other leg backward on the bench and then ये हो गया आपका step number 1. Now coming to step number 2. एक बारी जब आपने अपना foot place कर लिया है तब आपने नीचे जाके देखना है and you have to ensure that your knee is this 90 degree. इस तरीके से ना जा रही हो. अब हम बात करते हैं step number 3 की. Step number 3 में आप बिल्कुल नीचे गए. Now you have to keep your chest up and back straight. Chest up, back straight. Now, step number 4. Step number 4 is, when you go down, chest up, back straight. इस तरीके से back straight में ही आपकी spine सीधी रहनी चाहिए and then you have to lean forward. This additional step is for engaging your glute muscle more. And then, step number 5. Important है, भूलना नहीं है करते हुए, core tight रखना. So, now step 1, step 2, step 3, step 4 and core tight. Step 5 and this makes this exercise complete. Now full range of motion ke saath, you go down and up. Breathe in, breathe out. Ab baat karne wale hain hum us hack ki jo maine aapko beginning mein bataya tha. तो वो हैक है जिससे आपकी कोर मसल्स और एंगेज हो सकते हैं. डैट इज इंस्टेड ऑफ पिकिंग वेट्स एट द साइड्स, इस तरीके से विल पिक वन डंबल हियर अबव द चेस्ट. यहाँ पर डंबल पिक करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा कोर और एंगेज हो जाएगा. सो नाउ अगेन सेम एवरीथिंग, जस्ट प्लेसमेंट ऑफ डंबल इज हियर. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. So this was about this exercise, but रुको, अब हम बात करेंगे कुछ mistakes की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. Number one is जब आप अपनी formation ले लें तो आपको ensure करना है कि आपकी heel इस तरीके से raise नहीं हो बिल्कुल भी. अब number 2, आपको ensure करना है जब आप down जा रहे हैं तो आपकी back bend नहीं हो रही, it's straight. Lean और bend में फर्क होता है. I said lean forward, that means back straight and then lean and then up, no bending. Number 3, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सारी मूवमेंट अपनी फ्रंट लेग से ड्राइव कर रहे हैं, this way, not the back leg, बिल्कुल भी नहीं. Now focus on your front leg and come up. और number 4, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ये बेंच है ये बहुत ज़्यादा हाइटेड ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बेंच चलेगा. तो ये था अबाउट दिस वीडियो, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट. आई होप आपको पसंद आई हो और आप इसको इम्प्लीमेंट करें अच्छे से और इसके अच्छे से यूज़ लें. तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ. तब तक के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. Take care and bye.